नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार में लोग कुछ भी कर जाते हैं, और आज पानीपत में भी यही हुआ। और ये प्यार शक्ल देखकर नहीं बल्कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो युवती इतनी दूर शहर में बसे होने पर भी अपने प्यार यानी युवक के पास चली आई। लड़के के घर वाले भी राजी हो गए और आज दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। टेंट लग चुका था, खाना भी तैयार था, दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी लग चुकी थी, दूल्हा भी तैयार था। लेकिन सूचना मिली कि नाबालिग जोड़े की शादी हो रही है कि तभी वहां पर अपनी टीम को लेकर पहुंची प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता। उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ। मामला है सनोली रोड वीरनगर का, जहां पर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को सूचना मिली कि नाबालिग का विवाह हो रहा है, जिसके बाद मौके पर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता पहुंची और शादी को रुकवाया। जांच करने पर बड़ा खुलासा हुआ कि ये एक प्रेम विवाह है। लड़का और लड़की दोनों ऑनलाइन लूडो का गेम खेलते थे कि तभी दोनों में बातें शुरू हुई। बातें होते होते दोनों में प्यार हुआ और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि लड़की ओडिशा से भागकर पानीपत में रह रहे लड़के के पास चली आई। जानकारी के मुताबिक लड़की ओडिशा की रहने वाली है। दोनों में प्यार हुआ तो लड़की शादी करने के लिए लड़के के पास पानीपत आ गई। लड़की सिर्फ अपनी बहन को बताकर यहाँ आई थी, और जब वो पानीपत लड़के के पास पहुंची तो लड़के के परिवार वाले भी शादी की बात मान गए और आज दोनों की शादी होने जा रही थी। लेकिन प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया। चाइल्ड हेल्पलाइन से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वीरनगर में एक बाल विवाह हो रहा है, जो कि लड़के का बाल विवाह है, और लड़के की उम्र करीब 14-15 साल के मुताबिक बताई गई थी। और उसकी सूचना के मुताबिक आज ही मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पे पहुंची हूँ, और पता चला है कि जिस परिवार में ये शादी हो रही है वहाँ पर एक लड़की उड़ीसा से आई है, और उसका ये कहना है कि उड़ीसा में अपने माँ को बताकर आई है, और प्यार का ये कहीं मामला सामने आया है। लूडो की गेम खेलते थे ऑनलाइन लड़का और लड़की दोनों, और इनका आपस में प्यार हुआ और लड़की उस प्यार के चक्कर में यहाँ पर शादी करने आई है। 2 अक्टूबर को यहाँ पहुँची है, लेकिन लड़के के परिवार ने कोई भी सूचना इस चीज़ की पुलिस को नहीं दी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अपनी मर्जी से आई है, ऐसा नहीं है कि भागकर आई है, घर परिवार को बताकर आई है। जांच की गई तो पता चला कि लड़की के आधार कार्ड के मुताबिक लड़की बालिग है बल्कि लड़का नाबालिग है, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने शादी को फिलहाल के लिए रुकवा दिया और शादी पर रोक के बयान भी लिए गए हैं। और आज वो शादी ये तय करने जा रहे थे, और जो कि फिलहाल जो है वो अभी इनका कोई इन्होंने पुख्ता सबूत नहीं दिया है, और इनका खुद का ये कहना है कि हमारा लड़का 20 साल 8 महीने का है, तो फिलहाल जो है वो शादी पे रोक लगाने संबंधी बयान दे दिए गए हैं, और आगे की कार्रवाई के लिए कल कार्यालय बुलाया गया है। और पता चला है कि लड़की भी 9वीं कक्षा तक पढ़ी है और लड़का भी 5वीं तक गाँव उगड़ा खेड़ी के सरकारी स्कूल में पढ़ा है, तो कल देखते हैं स्कूल दस्तावेजों में जिससे उम्र आती है तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में लड़का नाबालिग पाया गया है और लड़का नाबालिग होने के चलते शादी पर रोक लगा दी गई है और आगे की कार्यवाही के लिए जांच जारी है। फिलहाल लड़के के बाकी दस्तावेज भी देखे जाएंगे कि लड़की की उम्र असल में कितनी है। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय, इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214545। Oh,
जानी है।